जय हिंद इन साइट बीन सो so, ये होने वाली है हिस्ट्री की लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो एंड इस वीडियो का वेट इसलिए होता है बिकॉज जब होता है आपके पास टाइम कम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करना बेस्ट रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं मैं बात कर रही हूं इस वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जस्ट कवर दिस वीडियो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियो में कवर्ड हैं ठीक है सो so, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेक श्योर sure कि जितने भी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक भी चीज आप मिस आउट नहीं करेंगे ठीक है अलोंग विद दिस यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर द टेस्ट एंड येस वी आर अगैन डूइंग अ फुल लेंथ टेस्ट फॉर एवरी वन ठीक है इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक आउट टेलीग्राम चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन एंड लेट लेटस सी कि हु इज द टॉपर व्हेन इट कम्स टू दिस एंड आपके मार्क्स कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं ठीक है सो so, क्या बोलते हो स्टार्ट करें विद द क्वेश्चन नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट जो थे वो कौन थे ठीक है सो so, इसका आंसर क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक पूछा जाए ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट किसने की थी लॉर्ड क्लाइव ने की थी और वेरन हेस्टिंग ने क्या की थी ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया था एंड किया था ठीक है ऑल्सो लॉर्ड क्लाइव जो है ये क्या है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल है वेयर एज वॉरन हेस्टिंग क्या है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कैनिंग क्या है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ठीक है याद रहेगा अब आ जाते हैं हम लोग इंडियंस की बात करते हैं सबसे पहले इंडियंस में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे इसका आंसर क्या है सी राजा गोपाल है और अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जितने भी इंपॉर्टेंट वाइस रॉयज हैं और उनके एसोसिएटेड डिटेल्स आप आगे देखेंगे दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस बंगाल पार्टीशन कांग्रेस फॉर्मेशन लेकिन आपको इनके टाइम के वाइस रॉयज याद होने चाहिए जैसे कि कांग्रेस फॉर्म जो हुई थी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था बंगाल का पार्टीशन हुआ था ड कैम्सफोल्ड के टाइम पे जलियावाला बाग में शिक्र हुआ था ठीक है इसके साथ साथ जो भी 1919 के अराउंड जो भी चीजें हुई थी ना जैसे कि राउलट एक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इन्हीं के नाम से एक रिफॉर्म भी है ठीक है लॉर्ड इरविन की बात करें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बाद में कैंसिल हो गई थी देन साइमन कमीशन लाठी चार्ज ये सारे के सारे लॉर्ड इरविन के टाइम पे थे फिर आते हैं लॉर्ड लिलिंथ को इनके टाइम पे क्या क्या था क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट और डू और डाई का जो नारा था ये किसने दिया था आगे अभी आपको बताऊंगी तो जल्दी से नीचे कॉमेंट करो हू गेव पर्टिकुलर नारा ठीक है सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन ये बोलता है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है इसके अंदर 1857 में कौन था जिसने रिवॉल्व बरेली और कानपुर में सप्रेस किया ठीक है इसका जो आंसर है दैट इज सर कोल कैम्बल ओके okay. और बरेली में जो था दैट वॉज बाय खान बहादुर खान ही वॉज द वन जिन्होंने इनिशिएट किया था ये अपने खान बहादुर खान है और कानपुर में नाना साहिब ठीक है अब आप पूछोगे कि ये मैम 1857 का रिवॉल्ट है क्या देखो ये स्टार्ट हुआ था एज अ सपोय्यूटन म्यूटनी आप लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 87 परसेंट उस टाइम के जो ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स थे ये सबके सब क्या थे इंडियंस थे एंड दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली सीरियसली मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली ना इन्हें ऑफिसर लेवल तक आने दिया जाता था ना ही वर पेड वेल दैट वॉज द कंडीशन अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया कि जो एक नई एनफील्ड राइफल आई है उसमें जो काटरेज लगती है आपको उसको मुंह से निकालना होता था दैट वॉज द कंडीशन अब बताया गया उस टाइम एक रूमर फैली आई रियालिटी थी कि आ, जो काटरेज है इसको इसके ऊपर जो फैट्स ग्रीसिंग के लिए लगाया जाता है या तो वो काओ का बनता है काओ फैट से बनता है या फिर पिग फैट से अब इसके लिए हो गया नो नो कि जितने भी ट्रूब से एटी सेवन परसेंट चाहे इसमें कोई मुस्लिम था या हिंदू था दे सेड कि नो इट इज अगेंस्ट आर रिलीजन हम तो ये नहीं करेंगे अब इस रीज़न की वजह से एंड देवर फोर्सिंग कि नहीं भाई यू हैव टू यूज इट यू आर पार्ट ऑफ फॉज वो वाली बात आने लग गई अब उस टाइम पे बहुत ही फेमस लीडर आप सब जानते होंगे कौन मंगल पांडे थे है ना बैरकपुर में क्या हुआ कि इनको फोर्स किया गया नहीं यू हैव टू यूज इट इन्होंने साफ मना किया डिनाई किया ठीक है और उसके बाद एक ऑफिसर जो था उस पर अटैक भी किया ठीक है उसके बाद इन्हें लाइक विद इन अ मंथ

उसके बाद खान बहादुर खान अभी हमने डिस्कस किया था छासी एन कॉलेज अच्छा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लक्ष्मी बाई को जनरल ह्यूग्रोज जो था उसने क्या बोला था ही सेड बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ रिबेल ठीक है बहुत जरूरी है याद रखना इवन जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इन सबके भी नाम बहुत जरूरी है अब बात आते हैं उस टाइम की बुक्स पे सबसे पहले वी डी सावरकर की द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर आते हैं रिबेलियन 1857 ठीक है 1857 जो है डॉक्टर एस एन सेन और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट वंस हैं आई हैव मेंशन देम बट ये वाली तो सबसे ज्यादा जरूरी है एंड दिस वन आल्सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कोलकाता सिटी का फाउंडर पूछा गया है इसमें एंड फाउंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है इसमें ई ऑप्शन एड कर लेना दैट इज ऑफ द बॉ अब स्टार्ट करते हैं सवाई जय सिंह जय से याद रखना जयपुर ठीक है तोमर्स डेली फिरो तुगलक जौनपुर कली कुतुब शाह हैदराबाद याद रहेगा नोली दिस इसके अलावा गोलकोंडा फोर्ट भी उन्होंने ही बनाया है ठीक है और चार मीनार भी ठीक है याद रहेगा अब आ जाते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट जैसे कि ली कॉर्बुजियर, इन्होंने आर्किटेक्ट किसके थे ये चंडीगढ़ की पूरी सिटी इन्होंने डिज़ाइन करके अच्छा नीचे जल्दी से कमेंट करो कौन कौन है चंडीगढ़ से फिर आते हैं हम लोग जॉब चाणक कॉल पूछा था ना अभी पीछे क्वेश्चन इसका आंसर क्या है नन ऑफ द अबाव जो मैंने आपको मां कराया था एक्चुअली जॉब चारण के बिकॉज उसमें ऑप्शन नहीं था गुरु रामदास गुरु कहां पर रहते हैं पंजाब में पंजाब में कहाँ अमृतसर में अकबर फतेहपुर सीकरी ठीक है उडाइन पाटली पुत्र कैंपे बेंगलुरु और दोस्त मोहम्मद खान भोपाल ठीक है याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा बाय द वे भोपाल में राजा भोज भी लिखा हुआ है अब जल्दी से नीचे कमेंट करो राजा भोज है या फिर आंसर इसका दोस्त मोहम्मद खान है ठीक है इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, माई बी कंफ्यूजिंग फॉर यू बट यू हैव टू गेट टू द राइट आंसर ना आगरा बादल सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे जोधपुर भी जरूरी है दैट इज राव जोधा कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन इज रिगार्डिंग बुक्स ठीक है बुक से क्वेश्चन आना ही आना है करंट अफेयर्स या तो यहाँ से या फिर कोई मेडाइव की बुक आ जाएगी ठीक है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा लाला लाजपत राय ने फिर इंडिया फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही है फिर आते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिर आते हैं इंडियन प्रॉब्लम ना कोर्स किसने पूरे देश को एक साथ किया था हु इज आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन्होंने ही देखी होगी राइट right? तो दिस इज द आंसर फिर आ जाते हैं इंडियन पिलग्रिम लोकमान्य तिलक नाउ दिस इज द रोंग वन इन करेक्टली पूछा था आंसर हो जाएगा ई दिस हैज बीन रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस ठीक है और लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने कौन सी लिखी है इन्होंने लिखी है गीता रहस्य फाइन फिर आ जाते गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर हम सब जानते हैं कि इनकी इस बुक ने क्या किया है गौटस नोबेल प्राइज एज वेल है ना इज द फर्स्ट वन टू गेट फ्रॉम इंडिया नोबेल प्राइज फिर आ जाते हैं हम लोग और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स पे अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ये भी देखा हमने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ दिस इज बाय महात्मा गांधी फिर आ जाते हैं इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज बाय जवाहरलाल नेहरू इसके साथ साथ इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था द इंडियन स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 दिस पर्टिकुलर बुक हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू ठीक है कमिंग टू द द नेक्स्ट वन दैट इज प्रॉब्लम ऑफ रुपी डिस्कस किया द ट्रूथ इज बाय इंदिरा गांधी ठीक है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया विंग्स ऑफ फायर बाय ए पीजे अब्दुल कलाम अब इसके अलावा एक और बुक है दैट इज यू आर यूनिक दिस पर्टिकुलर बुक इज ऑल्सो बाय ए पीजे अब्दुल फिर आ जाते हैं इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड इज बाय राजेंद्र प्रसाद कर चुके है, आर गांधी, फिर आ जाते हैं हम लोग दादा भाई नारोजी पे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया फेदर ऑफ डॉन द गोल्डन थ्रेश सरोजनी नायडू ठीक है अच्छा सरोजनी नायडू फर्स्ट हुए जू में क्या है जल्दी बताओ मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन कवर कराया हुआ है फिर आते हैं द आर्टिक होम इन दास बाय बाल गंगाधर तिलक इग्नाइटेड माइंड अब्दुल कलाम बाय बायोल्फ हिटलर ठीक है इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी जे अब्दुल कलाम नैंसल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और मिडनाइट डायरीज बाय बोरिस येसन आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट बुक्स बाय नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है ओके सो फाउंडर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो केशव चंद्र सेन क्या ये आंसर है नहीं बिल्कुल भी नहीं ये जो है फाउंडर है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के ध्यान देना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के हैं ब्रह्मो समाज के नहीं हैं ठीक है सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट इसका आंसर केशव चंद्र सेन नहीं है फिर आते हैं स्वामी दयानंद इन्होंने क्या बोला था इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास गो बैक टू वेदास इन्होंने स्टार्ट क्या किया था आर्य समाज ओके okay? फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने स्टार्ट किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज बेस्ड वेर इट वाज बेस्ड इन पुणे ठीक है फिर आते हैं हम लोग ज्योतिराव फुले पे नाउ हिज मेन एजेंडा वो इज कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए कहीं पे भी फ्यू सी कि गर्ल्स की तरफ थोड़ा uh, ध्यान दिया जा रहा है उनकी पढ़ाई एंड गिविंग देम दैट लिबर्टी तो दैट इज ज्योतिराव फुले ठीक है इन्होंने क्या स्टार्ट किया सत्य शोधक समाज ओके कमिंग टू राजा राम मोहन रॉय नाउ इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आदि ब्रह्मो समाज अगर पूछते हैं आदि ब्रह्मो समाज ये किसने स्टार्ट किया था दिस वॉज बाय देवेंद्र नाथ टिगोर ओके बात कर लेते हैं राजा राम रॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो फर्स्ट थिंग इज कि इसका जो आंसर है दैट इज ई ओनली ब्रह्मो समाज इन्होंने ही स्टार्ट किया था इसके साथ साथ आत्मीय सभा भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी ठीक है इसके अलावा आपने एक बंगाली न्यूज़पेपर भी सुना होगा दैट पर्टिकुलर बंगाली न्यूज़पेपर वाज संबाद संवाद कुमोडी ठीक है ये भी इन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज सती ठीक है सती को मतलब लाइमलाइट में लाने के लिए कि ये बहुत ही गलत चीज़ है ठीक है इसके अगेंस्ट आवाज उठाने वाले फर्स्ट पर्सन वॉज राजा राम मोहन रॉय ठीक है उसके बाद इवन गवर्नमेंट टू कैन एक्ट और इसको सती को फाइनली अबॉलिश किया गया बाय देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसका क्या नाम था इस नेम वॉज लॉर्ड विलियम देंटिक ठीक है लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रहेगा बहुत ही जरूरी है और सती में क्या होता था यार इस प्रथा में वॉट यूज टू है जब भी किसी के हसबेंड पास हुए तो उस टाइम उनके साथ ही उस लेडी को जला दिया जाता था एंड दैट वॉज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एंड फाइनली इट वॉज अबॉलिस्ड कमिंग टू अदर ऑर्गेनाइजेशन जो जरूरी है जैसे कि प्रार्थना समाज है कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी इट वॉज इस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे बाय एम जी रनाडे और आत्मा राम पांडुरंग वेर आर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले फिर आते हैं रामकृष्ण मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय स्वामी विवेकानंदा नाउ ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड इन 1893 नाइनटी थ्री कहाँ पर बुलाया गया था इन्हें शिकागो में बुलाया था किस लिए बुलाया था टू अटेंड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज स्टार मार्क कर लो बिकॉज ही वॉज ओनली वन हुस कॉल्ड अपॉन फॉर दिस फिर आते हैं हरिजन सेवा संघ हरिजन नाम से ही आप बता सकते हैं किससे एसोसिएटेड होगा मोहनदास करमचंद गांधी एंड कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था इन पुणे फिर आते हैं हम लोग एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया इसलिए बहुत जरूर हो जाता है गदर पार्टी की बात करें लाला हरदयाल सिंह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा बेस्ड था ठीक है फिर इंडियन इंडिपेंडेंस ली जो तारकनाथ ने शुरू करी दिस वॉज ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड थियोसफिकल सोसाइटी जो है इंडिया में किसने स्टेब्लिश की थी एनी बेसेंट ने ठीक है और आउटसाइड ऑफ इंडिया जो ध्यान रख रहे थे दैट वॉज कर्नल एच एस ऑलकॉट अलोंग विद हलीना पेट्रोनोवा ब्लेवेट्स ठीक है फिर आ जाते हैं परम हंस मंडली बाय दादोबा पाडुर एंड इट वॉज बेस्ड वेयर इट वॉज बेस्ड इन बॉम्बे आई होप आप सबको ये याद हो गए होंगे राइट कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज आपके कांग्रेस के सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो सेशन किस तरीके से पूछे जाते हैं जैसे कि कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट कब हुई थी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दैट वॉज ड्यूरिंग द टाइम जब रश बिहारी बोस थे वो प्रिसाइड कर रहे थे 1907 की बात है और ये सेशन था सूरत में ठीक है पून स्वराज जो है रेजोल्यूशन कब पास किया गया था इट वॉज वेन द सेशन वॉज इन लाहौर जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रिसाइड कर रहे थे और नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन की ये बात है ठीक है कौन से सेशन में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया गया था इट वॉज अट सेशन जो कि था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ में ठीक है एंड दिस वॉज समवेयर इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन फिर आ जाते हैं फंडामेंटल राइट एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये कब पास की गई थी दिस वॉज जब वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या कर रहे थे इसको प्रिसाइड कर रहे थे 1931 की बात है इन कराची फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ दो ही बार प्रिजाइड किया है वन वन इज इज इन इन हरिपुरा एंड 1938 का जो सेशन था वो हरिपुरा में था और 1939 का सेशन का इन तिरुपुरी इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनाई किसने थी ए एओ ह्यूम ने बनाई थी 1885 में ठीक है और इसका जो फर्स्ट सेशन था उसमें टोटल 72 पीपल केम एंड दिस वाज प्रिसाइडेड बाय डब्ल्यू सी बैनर्जी ठीक है याद रहेगा अब इसी के साथ मुस्लिम ली भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है इफ़ आई टॉक अबाउट मुस्लिम ली टू यू तो मुस्लिम ली जो है ये कब बनी थी 1906 में बनी थी और नवाब सलीम उल्लाह वाज द वन जिन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी याद रहेगा उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पूछा गया ध्यान देना फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा अगर फर्स्ट वुमेन पूछा जाता है तो एनी बीसेंट थी ठीक है दिस वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन कैलकटा वाला जो सेशन था वेर एज इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेजिडेंट थी दैट इज सरोजनी नायडू दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इन कानपुर सेशन ठीक है उसके बाद only session जो कि में में हुआ था, था? ये ये किसने किया जवाहरलाल नेहरू ने, This was in 1936. इससे पहले जितने भी थे, थे? थे, वो सारे होते होते किसी किसी ना किसी major city में होते थे. Okay? ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जल्दी से नीचे कमेंट करो इसका आंसर क्या है मी सी आपको कितना याद हो रहा है साथ के साथ फिर आते हैं हम लोग वंदे मातरम फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वो संघ इन 1896 जो कैलकटा का सेशन था उसमें फर्स्ट टाइम सिंग किया गया था और 1911 में जन गण मन जो है वही कैलकटा वाला जो सेशन था उसमें इट वाज संग ओके फिर ओनली सेशन जो कि मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रेसाइड किया था दैट वाज 1924 का बेलगांव सेशन ठीक है अभी हम आगे एन के गांधी के बारे में काफी लंबा डिस्कशन करेंगे ओके सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था दैट वाज इन 1948 ये जयपुर में था एंड इट वाज प्रेसाइडेड बाय पता भी, सीता, रमैया, ठीक है और अगर पूछ ले कि इससे पहले जो आजादी से पहले, से पहले सेशन हुआ था that was in 1946, कमिंग टू द नेक्स्ट वन हु फाउंड इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया और वंदे मातरम? अब देखो इसमें जितनी भी वीकलीज एंड न्यूज हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है, है? इनमें अगर हम ऑप्शन की बात करें देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए लाल बाल पाल किन्हें बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या तो जो वीकली न्यू इंडिया और वंदे मातरम है दिस वॉज बाय बिपिन चंद्र पाल ठीक है और सिर्फ यही नहीं इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है वो भी लीड की थी ठीक है और इसके साथ साथ आपको अभी बताया था मैंने इन्होंने क्या स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या ब्रह्मो समाज जल्दी बताओ नीचे कमेंट करो इट इज ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने किया था उसके बाद स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक से हम लोग ठीक है बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने क्या बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शेल है इसके साथ साथ इन्होंने और क्या स्टार्ट किया था इन्होंने स्टार्ट की केसरी और मराठा जो न्यूज पेपर हैं ये इन्होंने स्टार्ट किए थे ओके एंड अलोंग विद दिस इन्होंने लिखा गीता रहस्य क्या लिखा गीता रहस्य उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनकी दैट इनके ऊपर हुआ था लाठी चार्ज एंड सीरियसली जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं सल्यूट टू देम द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं जहाँ पे भी हैं है ना नहीं तो आज भी हम गुलामी कर रहे होते तो लाठी चार्ज जो है आ, इसकी वजह से ये सीवियरली इंजर्ड हुए थे ठीक है और टॉकिंग अबाउट लाठी चार्ज इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ क्यों था इट वॉज बिकॉज इन्होंने बाइकऑट किया था किसे साइमन कमीशन को इन्होंने किया बाइकॉट ठीक है सो so, इस वजह से उसके बाद ऑल्सो uh, आर्य समाज को ये फॉलो करते थे ये याद रखना फॉलो करते थे नॉट इन्होंने बनाया था ध्यान देना कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज श्री और बिंदो घोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो फर्स्ट थिंग इज कि ये जो थे मनिक टेला कॉन्स्पेरेसी या फिर आप इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी भी बोल सकते हो ठीक है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर की बात है नाइनटीन ओ एट मुजफ्फरपुर ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ एक ब्रिटिशर होता था जिसका नाम था डोगलस किंग्स फोर्ट ठीक है इसके ऊपर अटैक किया एंड इसका जो चैरियट था उस पर अटैक हुआ इसकी वजह से दो वुमेन ऑल्सो डाइट ओके इसके साथ साथ श्री औरबिंदो घोष ने युगान्तर क्या युगान्तर जो है वो भी स्टार्ट किया वट एग्जैक्टली वॉज दिस युगांतर ये जो था एक ऐसा ग्रुप था जो कि एक रिबेल ग्रुप था बेसिकली जिसके पास आर्म्स एम्यूनेशन वेपन सब कुछ होते थे ठीक है और ये बेस्ड कहाँ था इट वॉज बेस्ड इन कॉल ठीक है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कमिंग टू यथ अदर न्यूज पेपर जो जरूरी हैं जैसे कि न्यू इंडिया एंड द कॉमन वेल्थ होगा ये वेल्थ प्लीज चेंज इट एनी बीसेंट ठीक है नवजीवन यंग इंडिया हरिजन ऑलरेडी बता चुकी हूं महात्मा गांधी मूक नायक बी आर अम्बेडकर बेंगोली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इनकलाब गुलाम हुसैन वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना ठीक है और बेंगोल गजेट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है दिस इज बाय जे ए हिक्की ओके जॉर्ज एलन और बंदे मातरम दैट इज बिपिन चंद्र पाल सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज बहुत जरूरी है क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट कमिंग फ्रॉम यूर जैसे केसरी, ट्रिब्यून भी पूछ सकते नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज हमारे गांधी जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर टू द एग्जाम परलरेडी ये चीजें तो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इंडियन ओपिनियन हरिजन यंग इंडिया और नवजीवन ये सारे के सारे स्टार्ट किसने किए थे एमके गांधी ने हिंद स्वराज ये जो है इन्होंने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इसलिए याद रखना अगर पूछे ऑटोबायोग्राफी कौन सी है सो दैट इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ओके इसके बाद द सर्वोदय मूवमेंट ये पर्टिकुलर जो लिखी गई है बुक दैट इज ऑन ओनली गांधी अप्रोच टू पीस एंड नॉन वायलेंस उसके बाद आते हैं कि इनको टाइटल्स दिए गए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने इनको बोला राष्ट्रपिता क्या बोला राष्ट्रपिता बोला एट द सेम पॉइंट इन टाइम रविंद्र नाथ ने इनको क्या बोला महात्मा ये जो टाइटल है वो रबीन्द्र नाथ ने दिया उसके बाद आता है जलियां वाला बाग मैसेकर नाउ दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स दैट वॉज सीन बाय आर फ्रीडम फाइटर्स तो इस टाइम पे उन्होंने अपने टाइटल्स भी रिनाउंस कर दिए थे जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट होड रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला मुझे नहीं चाहिए टाइटल रिनाउंस एंड केसर हिंद मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला मुझे भी नहीं चाहिए टाइटल ओके okay? फिर एक बहुत जरूरी जो चीज़ है दैट इज हाफ नेकेड बेगर ये किसने बोला था हमारे मोहनदास करमचंद गांधी को डू यू नो दिस विंस्टन चर्चिल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है नाउ कमिंग टू गांधी जी के जो भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं पहली बात इंडिया में गांधी जी वापस कब आए थे तो साउथ अफ्रीका में रहते थे सो नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन में ही रिटर्न टू इंडिया एंड आए कहाँ पे थे ही केम टू बॉम्बे ओके उसके बाद नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन में इन्होंने जाकर बी एच यू में स्पीच दी एंड देन इन्होंने स्टार्ट किया मेन जो हमारा इनका काम रहा है नेशनल मूवमेंट फर्स्ट जो था दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन ठीक है चंपारण सत्याग्रह जो है इन्होंने इनिशिएट किया एंड दिस इज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ठीक है फर्स्ट सिविल ओबीडियंस मूवमेंट अगर कभी पूछते हैं कि कौन सी रही है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यू नाउ नो चंपारण सत्याग्रह इसके बाद आती है 1918 में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन्होंने की फॉर वॉट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फिर होता है नाइनटीन के अंदर ही क्या हुआ खेड़ा सत्याग्रह और ये क्या था दिस वॉज फर्स्ट नॉन कूपरेशन मूवमेंट ठीक है फर्स्ट नॉन कूपरेशन मूवमेंट फिर अच्छा अभी ये आई एन सी प्रिजाइड उन्होंने कब की थी ओनली वन टाइम ही डिड इट एंड मैंने अभी आपको बताई थी जल्दी से नीचे कॉमेंट करूँ ठीक है फिर आते हैं हम लोग डांडी मार्च पे डांडी मार्च किस लिए थी टू मेक सॉल्ट सॉल्ट बनाने के लिए था राइट right? एंड ये कब हुआ था दिस वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी टू नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन फिर आते हैं क्विट इंडिया क्विट इंडिया के टाइम पे इन्होंने बोला था डू और याद रखना किसने बोला था मोहनदास करमचंद गांधी ने 1942 की बात है उसके बाद इन 1948, हंड्रेड एंड फोर्टी एट दैट इज वन ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज किल्ड बाय नथुर गोड आई होप याद रहेगा नाउ कमिंग टू ऑल द फ्रीडम स्ट्रगल इसमें मतलब बहुत जरूरी है आपको इवेंट्स की डेट पता होनी चाहिए जैसे काफी बार पूछ चुके हैं कि जलियावाला बाग मैसेगर की डेट क्या है ठीक है सो एटीन फिफ्टी सेवन ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो तुम्हें से पॉइंट म्यूट नहीं है ना सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था फिर पार्टिशन ऑफ बंगाल कब हुआ स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड दैट इज नाइनटीन ओ फाइव नाइनटीन हंड्रेड इलेवन के बीच में फिर होता है गदर मूवमेंट इसको कॉमग आटू मारो इंसिडेंट भी बोला जाता है इसी के बीच गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे जल्दी बताओ कहाँ आए थे वापस मुंबई वापस आए थे या कोलकाता वापस आए थे जल्दी बताओ नीचे कमेंट करो ठीक है उसके बाद होम रूल ली लॉन्च किसने की बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था जो कि इंडिया में था एंड दिस वाज बाय महात्मा गांधी एंड व्हाई इज इट सो बिकॉज़ वहां पे जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो ठीक है फिर आता है सबसे भयानक एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी बोला जाता है नाम से ही पहचान सकते हो कुछ तो गलत हुआ होगा ये राउलट सत्याग्रह जो है इस टाइम पे ब्लैक एक्ट के टाइम पे था नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन अराउंड दिस टाइम सो इसमें बोला गया कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है अरेस्ट करो इसी की वजह से क्या हुआ था जलियावाला बाग में सिकर भी इसी की वजह से था ठीक है एंड ये कब हुआ था अप्रैल थर्टीन 1919 में हुआ था याद रहेगा और इस टाइम पे जो पर्सन जिसने शूट करवाया था सबको दैट वाज जनरल डायर ओके फिर आते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो थी फर्स्ट मास मूवमेंट थी जो कि गांधी जी ने लेड की थी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस आल्सो है ना अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो किसने अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी और अली ब्रदर्स एक्चुअली दो भाई थे एक है शौखत अली और दूसरे का नाम क्या है मोहम्मद अली ठीक है फिर आते हैं हम लोग 1922 में क्या हुआ था यहाँ पे हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट नाउ वट एग्जैक्टली exactly वॉज दिस चोरा चोरी इंसिडेंट ये एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ठीक है एंड इसमें जो चीज़ें थी वो बहुत गलत साइड चली गई थी दैट इज कि 22 टू पुलिस मैन अलॉन्ग विद थ्री सिविलियंस दे डाइड जो पुलिस स्टेशन था वहाँ आग लगा दी गई थी और ये कहाँ पर था दिस वॉज इन गोरखपुर जो आज की डेट में कहाँ है उत्तर प्रदेश में ठीक है उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं दिस वॉज रिगार्डिंग सॉल्ट ठीक है उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि लॉन्च किया गया था अगेंस्ट ऑगस्ट ऑफर 1940 जल्दी नीचे कमेंट करो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑगस्ट ऑफर देन फाइनली 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी आई होप दिस इज ऑल क्लियर एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज रिगार्डिंग असैसिनेशन ऑफ दीज ब्रिटिश ऑफिसर्स ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका यहाँ पे काफी बड़ा रोल रहा है सो so, इसमें पूछा गया कि डेली कॉन्स्परेसी केस जो कि रश बिहारी बोस जो थे क्या कर रहे थे uh, उसे हेड कर रहे थे नाइनटीन इलेवन में तो उनके जो असासीनेशन टारगेट थे वो इनमें से कौन थे ठीक है स्टार्ट करते हैं लॉर्ड मेयो ये क्या थे ही वॉज अ वाइस रॉय ठीक है और इसको असासिनेट किसने किया था इसको असासिनेट किया था एक पठान कॉन्विक्ट ने 1872 में पोर्ट ब्लेयर में जो कि अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड में था वहां पे विजिट कर रहे थे तो उस टाइम पे ऑफिस में जाके एंड ही मर्डर्ड हिम द नेक्स्ट वन जॉन सॉन्दर्स ये कौन है आप सब जानते हैं एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था ठीक है और किसने मारा इन्हें आपको मुझे शायद ये नाम बताने की भी जरूरत नहीं है भगत सिंह है ना और राजगुरु राजगुरु का पूरा नाम क्या है शिवराम राजगुरु याद रखना फिर आते हैं माइकल ओ डायर सो इस पे अटेम्प्ट किसने किया था उधम सिंह ने ठीक है लंदन में फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो जो है इसका आंसर है इस क्वेश्चन का तो डेली कॉन्स्पिरसी केस पे ही वॉज द टारगेट अब थोड़े और इंपॉर्टेंट जो असासीनेशन है वो भी देख लेते हैं ये एक दो और तीन ये इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करूंगी और एक्चुअली ये वाला तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं राइट मर्डर ऑफ रैंड एंड एमर्स्ट ये जो है इनको किसने किया था दामोदर बालकृष्ण और चापरेकर ब्रदर्स दे वर द एक्यूज वेर एस मर्डर ऑफ जैक्सन अनंत काकरे और हार्डिंग का रस बिहारी बोस और बसंत कुमार लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लीज बार चेक कर लेना अब हम डिस्कस कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड केसेस हैं फर्स्ट इज अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरसी ये कहां पर हुआ था अलीपुर बंगाल में ठीक है ये मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस राइट डेली कॉन्स्परेसी केस वॉज इन डेली रश बिहारी बोस मेजर इसमें रश बिहारी बोस हैं फिर आते हैं काकोरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें राम प्रसाद बिस्मिल अशफक खान एंड राजेंद्र लाहरी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये दो नाम हैं फिर लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव हैं ओके okay, फिर आ जाते हैं सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन भगत सिंह और भदुकेश्वर दत्त ठीक है याद रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले इवेंट्स हैं जो भी आपको मैंने बताए ठीक है पांच इवेंट अच्छे से याद कर लेना नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज निक नेम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जैसे कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया फादर ऑफ इंडियन अंडरेस दैट इज बाल गंगाधर तिलक ठीक है फिर इंडियन बिस्मार्क किसे बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो ऑल ऑफ दीज इसके साथ है जैसे इंडियन आइंस्टीन नागर्जुना को बोला जाता है लोकमान्य लोकनायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगैन शेर ए पंजाब भी बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ओके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारू आयरन मैन कितने बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने पूरे देश को यूनाइट किया था इसके साथ साथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जैसे इनकलाब जिंदाबाद दिस इज नॉट बाय भगत सिंह जल्दी से बताओ किसने दिया था यह स्लोगन ओके क्विट इंडिया महात्मा गांधी फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई शिल हैव इट बाल गंगाधर तिलक ठीक है डू और डाई अभी अभी बताया था मैंने महात्मा गांधी फिर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ठीक है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैक टू ये तो ऑलरेडी दो तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ओके सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा वी हैव कवर्ड एवरी थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री नाउ टॉकिंग अबाउट एंशंट एंड मेडाइवल इसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है इसलिए उसे मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी मेक श्योर sure आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उस वीडियो को 100 परसेंट देखें साथ साथ मैं कमेंट में भी डाल दूंगी पिन करके उसका लिंक तो उस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना बिकॉज यू नीड टू कंप्लीट मॉडर्न प्लस एंशियंट प्लस मेडाइवल टू मेक श्योर आपकी हिस्ट्री जो है वो कवर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियो इन दोनों को आप अच्छे से कवर करना वीडियो को एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम हिस्ट्री ठीक है नाउ आई जस्ट से वन थिंग कि भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो तुम देर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट अब शांति से उस एग्जाम को देखे आओ बिकॉज जो तुमने मेहनत करी है उसका फल लेने का टाइम आ गया आई एम श्योर यू विल मेक इट थ्रू एंड यू विल एस इन दिस एग्जामिनेशन एंड जस्ट वेट फॉर दैट कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज एंड लेट मी नो हाउ एग्जैक्टली योर एग्जामिनेशन वेंट इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आई आल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इमिडिएटली आफ्टर द एग्जाम ठीक है सो जय हिंद एंड कीप वर्किंग स्मार्ट